यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड मी जेई नीट पे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1D मोशन में रिलेटिव मोशन और 2D मोशन में रिलेटिव मोशन कैसे अप्लाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिवर प्रॉब्लम्स के बारे में, रिवर प्रॉब्लम्स, और उसके बाद चलेंगे हम रेन प्रॉब्लम्स पे। तो आइए इस लेक्चर को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। चलिए, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ आप सक्सीड मी का चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जो कि टेलीग्राम पे बना हुआ है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपका ये मिस होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्या मिलेगा, इसकी PDFs वगैरह, शीट्स वगैरह मिलेगी, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन भी होता है। तो आप वहाँ जाके होमवर्क करिए और इसका डिस्कशन लेक्चर देखिए। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं रिवर प्रॉब्लम्स से। सबसे पहले रिवर प्रॉब्लम्स में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको कि क्या क्या होती है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले तो होती है रिवर, ये रिवर होती है ना, इस रिवर की कुछ एवेट तो होती है, हम उसको करते हैं डी से रिप्रेजेंट। ठीक है, और चलो इसको विड्थ से मान लो, W से, और D को मान लेना ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एक मैन खड़ा है ना, इसकी वेलोसिटी होती है दो तरह की। सबसे होती है वी, मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना। इसी को हम कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या कह देते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। और इसका ही दूसरा नाम है कैपेसिटी टू स्विम इन वाटर। चलिए, ये समझ में आया। अब इसमें क्या होगा कि मैन को अगर यहाँ से जाएगा, है ना, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसको मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। देखो, वेलोसिटी की, रिवर की भी वेलोसिटी होगी कुछ, है ना, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है ना। तो अब क्या होगा, जब ये मैन यहाँ से जाएगा तो अगर ये इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, मतलब इस बैंक के परपेंडिकुलर अगर जाएगा तो इसका कुछ ड्रिफ्ट लगेगा, तो मैन यहाँ से निकलेगा तो ये जाके कुछ यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये हो गया इसका ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है, द स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, जितनी उसने एक्स्ट्रा कवर की है ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट। चलिए, तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम, आपको क्लियर होता जाएगा। अभी आपको बस इतना सा लिखना है, ड्रिफ्ट भी नहीं लिखना है ना, आगे जब आएगा तो मैं नोट्स अच्छे से बनवा दूंगा। अभी बस आप इतना लिखिए, यह है विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, यह है मैन और यह है वेलोसिटी ऑफ रिवर। चलिए, इतना नोट करिए, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, इसको नोट करिए। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन 1, इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें
चलिए तो क्वेश्चन इस प्रकार है, कैन आई फाइंड द टाइम टेकन बाय स्विमर, स्विमर है यहाँ पे, फ्रॉम ए टू बी टू बी टू ए, ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अ स्विमर फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। चलिए लिख लीजिए, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय स्विमर फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। चलिए तो इसमें क्या है, ए टू बी एंड बी टू ए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए खुद से, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए ट्राई करिए इसको। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा है ना, नहीं किया है तो अभी तो एक बार वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब स्टिल वाटर में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर कैसे भी फ्लो कर रही हो इसकी स्पीड रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो इसकी भी स्पीड होगी और इसकी भी स्पीड होगी, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी। अब इसको रिलेटिव करना है तो क्या कहते हैं, इस रिवर को रोक दो है ना, इस रिवर को रोक दो, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तब 10 मीटर और इसमें ठीक है, ये 10 मीटर और ये वेलोसिटीज की ऐड हो जाएगी है ना। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अपॉन स्पीड। चलिए तो ये यहां से क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर डिवाइड बाय 10 प्लस 8, यहां से आंसर आ जाएगा हमारा 10 सेकंड्स, ठीक है। चलो अब ये क्या होगा, जब फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए जब ट्रैवल करेगा ये, तब क्या होगा, इसकी डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, अब ये वेलोसिटी ऑफ रिवर थोड़ी चेंज होगी, इसी डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसा थोड़ी होता है रिवर उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगी, नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो नेट स्पीड कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये आ जाएगा हमारा लगभग 90 सेकेंड्स। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 टोटल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट हमारा सॉल्व। अब इस पे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, इसको नोट करो है ना, चलो इसको नोट करो। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो है 8 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है 10 मीटर पर सेकंड और विड्थ द रिवर की 100 मीटर। अब इसमें क्या बोला है, द इफ स्विमर ट्राइज टू स्विम एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, इफ स्विमर ट्राइज टू स्विम एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री देन फाइंड। तो जल्दी से इस डायग्राम को बनाइए फिर क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से। इफ स्विमर देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इस स्विमर की जो वेलोसिटी ऑफ रिवर मिला के और इसकी जो खुद की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में निकालनी है, ठीक है।
तो फर्स्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेकेंड पार्ट है इसका टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। फाइंड द ड्रिफ्ट प्रोड्यूस बाय स्विमर, चलिए चलिए तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, है ना। चलिए तो इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखो स्विमर क्या करता है, 53 डिग्री एंगल पे जाता है। तो सबसे पहले तो इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लेते हैं कि रिवर के डायरेक्शन में कितना है और इसकी रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने। तो ये हो जाएगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड और ये वाली डायरेक्शन में हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। चलो इतना समझ में आ गया हमको। अब पूछिए रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, 6 प्लस 8। क्यों? क्योंकि ये दी हुई है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू रिवर है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होती तो इस डायरेक्शन में आ जाती 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अभी हमको वही निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है और वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है, तो हम निकालेंगे वेलोसिटी। चलिए तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ क्या फाइंड करना हमको, रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। चलिए तो वेलोसिटी रिजल्टेंट कितनी आएगी, ये आएगी 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8i कैप, यहाँ से आ जाएगी हमारी 14i कैप प्लस 8j कैप, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी जब ये पानी में उतर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 53 एंगल पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे निकाली हमने। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड में पूछा टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। अब मेरे को एक बात बताओ, रिवर ऐसी है तो इसमें जो वेलोसिटी काम आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली सिर्फ इतनी सी वेलोसिटी, क्योंकि ये तो सिर्फ ड्रिफ्ट के लिए काम आएगी ना, ये वाली वेलोसिटी जो है ये तो इस आदमी को ड्रिफ्ट करेगी। तो सेकंड पार्ट में हमारा आंसर आ जाएगा टाइम टेकन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 8, जो कि आ जाएगा 12.5 सेकंड्स। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? क्यों आया? क्योंकि सिर्फ जे कैप वाली वेलोसिटी से ही वो टाइम टेकन करेगा क्रॉस द रिवर। अब आएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होगा? ड्रिफ्ट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर इनटू वेलोसिटी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन चलो। पहले अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर ये मैन है ना, ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसी डायरेक्शन में अगर तैरता है तो वो होता है अप डाउनस्ट्रीम, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जब जाता है तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो लिख सकते हो अपस्ट्रीम क्या होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिवर, और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, सेम डायरेक्शन। अब पूरा लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, इसको छत पे लिख लो, है ना। तो अब यहां से आंसर क्या आ जाएगा,
12.5 इंटू दिस वन 14, तो यहां से क्या आ गया 175 meters. ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए। अगर आपने ट्राई किया था तो क्या आपके सारे आंसर मैच हो गए और कहाँ पे दिक्कत आई थी आपको, एक बार खुद से चेक करिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहले सबसे पहले ऊपर अपने मार्जिन के ऊपर छत पे वो लिख लेना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि रिवर है 100 meters की, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है 10 meters per second. वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है 8 meters per second. अब आपसे पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही ट्राइज टू स्विम टू कम आउट फ्रॉम बी, मतलब यहाँ से स्विम करे और यहाँ से निकले। या फिर इसको ऐसे तरीके से एक और तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही ट्राइज टू स्विम इन शॉर्टेस्ट पाथ। तो मेरे को एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है यहाँ पे जाने का? शॉर्टेस्ट पाथ या ए से शुरू करे और बी पे पहुंच जाए, यानी इसमें पूछा डायरेक्शन विच ही ट्राइज टू स्विम इन शॉर्टेस्ट पाथ, यानी इसमें ये नहीं बोला है कि बी पे जावे, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है किसी भी रिवर का? यही हो सकता है ए और बी के, क्योंकि अगर ए से थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो शॉर्टेस्ट थोड़ी रह जाएगा, मतलब बी से थोड़ा भी इधर चला गया इधर चला गया तो शॉर्टेस्ट नहीं रह जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक होती है कि हम पहले ये देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। जब ये अगर कम होती है तो हम क्या करते हैं, इधर से एंगल थीटा मानते हैं, यहाँ इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल मानते हैं, है ना। और क्या कर देते अब ये इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है ना, तो ये इस साइड में क्या करेगा, मतलब इसका कंपोनेंट इधर भी आएगा और एक इधर भी आएगा। तो एक कंपोनेंट जो आएगा इसका, देखो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये अगर इस डायरेक्शन में स्विम करेगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। ये आएगा वी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा वी साइन थीटा। तो अब हमको क्या करना है, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। तो यहाँ से किसी को समझ गया होगा कि जो वी कॉस थीटा है उसको बराबर कर देंगे हम 8 के, तो इस इन दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारा आंसर जो मतलब जो वेलोसिटी बचेगी वो सिर्फ इस डायरेक्शन में रहेगी। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो शॉर्टेस्ट मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर करेगा वो इसी इसके अलोंग ही करेगा, है ना। तो अब हमने इसको कर दिया है, हमने इसको कंपेयर कर दिया। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये है 10 cos थीटा इज इक्वल टू 8, cos थीटा यहाँ से आ गया 4/5 और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 37 डिग्री। तो अगर ये 37 डिग्री पे इस डायरेक्शन में, यहाँ से 37 डिग्री पे अगर स्विम करता है तो ये बी पे जाके पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और होता है कि जब ये वेलोसिटी कम होगी तो हम क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे आगे। अभी इसको एक बार आप नोट कर लो, चलो इसको नोट कर लो एक बार। चलिए तो इसको नोट करिए और अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम टाइम। टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। जल्दी से ट्राई करते जाइए और
इसका सॉल्यूशन बनाते जाइए अगर आप कर पा रहे तो, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच he tries to swim to cross the river in minimum time. फोर्थ पार्ट है इसका। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एक बार नोट डाउन कर लो, अभी समझते हैं। फाइंड ड्रिफ्ट इन दिस सिचुएशन। चलिए तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, है ना, ट्राई कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ये फर्स्ट वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, हाँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं, नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से नोट कर लो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका कवर हो, है ना। सेकंड पार्ट है फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। तो अब एक बात बताओ, जब ये स्विमर यहाँ से तैरेगा, है ना, मिनिमम टाइम लगना चाहिए। इसने न तो बोला कि यहाँ पहुँचना है, ना बोला कहीं और पहुँचना है, इसने बोला यहाँ से यहाँ इस बैंक तक पहुँचने में मिनिमम टाइम लगेगा। तो हम इस बार क्या करते हैं, ये जो मैन है अगर इस बार ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाए, है ना, सारी की सारी वेलोसिटी जो ये विद रेस्पेक्ट टू रिवर है या विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, अगर ये इस डायरेक्शन में लगा दे तो आपको क्या लगता है कि सबसे जल्दी पहुंच जाएगा एज कम्पेयर टू किसी एंगल पे जावे, सही बात है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में लगा देंगे, हाँ। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा इसका, मिनिमम टाइम मिनिमम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही ट्राइज टू स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। इसने कितने डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या थी जब ये मिनिमम टाइम में जब इसने क्रॉस की तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, तो हमने इसको कितने पे भेजा था, 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन में भेजा था, तो ये कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री विद क्या कहेंगे इसको, विद द फ्लो ऑफ रिवर, है ना। तो उस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ 90 डिग्री विद डाउनस्ट्रीम। या अपस्ट्रीम, एक ही बात है, दोनों से 90 आएगा, हाँ। फोर्थ पार्ट में पूछा है फाइंड द ड्रिफ्ट इन दिस सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन यानी मिनिमम टाइम में जब वहां पहुंचा तो ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट कोई बता सकता है क्या, जल्दी से कमेंट कर दो, जिसने भी फोर्थ पार्ट निकाला है जल्दी से कमेंट कर दो, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हो जाएगा टाइम टेकन इनटू वेलोसिटी। तो टाइम यहां से आया हमारा 10 सेकेंड्स और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो 8 मीटर। तो ये क्या हो गया, 80
मीटर, ठीक है समझ गया। 80 मीटर कैसे आया, 10 जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, इसके इसका ड्रिफ्ट होगा ना इसकी वजह से। तो जैसे हम कभी नदी में तैरते, तो आप सीधा अगर तैरते हो तो कभी आप यहाँ थोड़ी पहुँचते हो, आप तो कहीं दूर जाके पहुँचते हो ना नदी में, है ना। तो यही है ड्रिफ्ट कितना होगा, ये अगर यहाँ से जाएगा तो 80 मीटर कुछ यहाँ पे इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा पैराबोलिक नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगर कुछ डाउट आ गया इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, विड्थ ऑफ रिवर है 100 मीटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, क्या करना है हमको, इन विच डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में अभी हमने निकाला, तो हमने क्या किया था, हमने किया था कि इस डायरेक्शन में कुछ थीटा मान लो, फिर वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो वेलोसिटी बच जाएगी सिर्फ इस डायरेक्शन में और आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सेकेंड पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्विमर इन जीरो ड्रिफ्ट सिचुएशन। एक बार समझ लो, बाद में नोट डाउन कर लेना, है ना, मैं अभी टाइम दूंगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय स्विमर इन जीरो ड्रिफ्ट सिचुएशन। जीरो ड्रिफ्ट में मतलब इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो इसमें टाइम कितना लगा, तो इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी बच जाएगी, है ना, और डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस वेलोसिटी। अगला है, ही ट्राइज टू स्विम इन विच डायरेक्शन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। कौन सी डायरेक्शन में ये ट्रैवल करे जो इसको मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सबसे ईजी है, इसलिए अब इसमें क्या समझाऊंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला समझो, फाइंड मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर। टाइम निकालना है ना, उसमें एंगल निकालना है, इसमें टाइम निकालना है। फाइंड ड्रिफ्ट प्रोड्यूस बाय द स्विमर इन द मिनिमम टाइम सिचुएशन। ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट किया है हमने, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और एक बार खुद सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने के बाद सॉल्यूशन देखना, मतलब सॉल्यूशन आप निकालने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखना और चेक करना कि आपने कहाँ गलती की है। वैसे तो सबका आंसर आ जाएगा और जिसके सारे आंसर मैच हो जाएंगे फिर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो हम आप वीडियो को पॉज करो, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। चलिए तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, इन विच डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ में करने के लिए क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में कुछ थीटा एंगल पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, है ना। दिख रहा है ये वी, ये वेलोसिटी वी है, ये एंगल थीटा है, है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए करेंगे v cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, v cos थीटा इज इक्वल टू वी आर। वी कितना है, 20 cos थीटा इज इक्वल टू 10। cos थीटा आ गया 1/2, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। चलो 60 डिग्री आ गया था सबका, बहुत बढ़िया। अब पूछा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्विमर टू इन जीरो ड्रिफ्ट सिचुएशन, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में तो आ गई वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में कितनी आ गई, ये 60 है, तो वी कॉस थीटा 10, और इस डायरेक्शन में आ जाएगी 10√3, ठीक है। चलो तो 10√3 इस डायरेक्शन में आ गई, तो हम सेकेंड का आंसर यहाँ लिख देंगे, मिनिमम टाइम है ना, फाइंड द टाइम, टाइम आ गया विड्थ अपॉन वेलोसिटी, क्या आ गया ये 100 डिवाइड बाय 10√3, ये आ गया 10√3 डिवाइड बाय 3। समझ में आया क्या किया, 10 से 100 से 10 काटा, फिर रूट 3 को रैशनलाइज कर दिया, तो ये आ गया हमारा सेकेंड में आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, थर्ड वाला, ही ट्राइज टू स्विम इन विच डायरेक्शन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में जब इसको क्रॉस करना है तो किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, इसको डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम के
परपेंडिकुलर, तो क्या आ गया 90 डिग्री विद डाउनस्ट्रीम। ठीक है, चलो फोर्थ वाला क्या है, फाइंड मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर। तो मिनिमम टाइम क्या आएगा, जब ये सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेके दौड़ जाएगा, है ना, तो दौड़ जाएगा मतलब स्विम करेगा, तो 100 डिवाइड बाय 20, तो मिनिमम टाइम आ जाएगा हमारे यहाँ से 100 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब ड्रिफ्ट की बात कर लेते हैं, फाइंड ड्रिफ्ट प्रोड्यूस बाय स्विमर इन मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम में टाइम तो आ गया हमारा 5 सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये ड्रिफ्ट होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, फिफ्थ का आंसर मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ का आंसर, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 × 10 इज इक्वल टू 50 मीटर। चलिए, ये पूरा क्वेश्चन किसका सही हो गया था जल्दी से कमेंट में बताओ। आप है ना क्वेश्चन सॉल्व करके, जब सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने वाला होता हूँ उससे पहले आप कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप क्या लिखते हो बाद में तो आप चेंज कर लेते हो, बाद में आपको समझ में आ जाता है, पर फिर उससे मुझे नहीं पता पड़ता ना कि आप किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन दूँ पॉज करना वीडियो को, आपको सॉल्व करना और कमेंट में आंसर बता देना है ना, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट में आंसर बता देना, ताकि मुझे पता लगता रहे कि किस लेवल पे समझाना है। ठीक है, चलिए, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए पॉज करके, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है विड्थ है 100, इन विच डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से ट्राई करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका, ताकि आगे आप जब चेक करें तो चेंज ना कर पाए, है ना। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए एक बार, इसको सॉल्व करके नोट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बताइए, फिर चेक करना। चलिए, तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए, मेरे को एक बात बताओ, हम वापस से जो हमने अभी तक सीखा है वो ट्राई करते हैं ना, तो हम कर देंगे इस डायरेक्शन में कुछ, थीटा वेलोसिटी से इसको इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, 8 और ये थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 8 cos θ इज इक्वल टू 10, ये करेंगे, तो cos थीटा क्या आएगा, 5/4। अब 0 से 90 में है ना, cos थीटा क्या होता है, 1 से cos थीटा फॉर, इसको ऐसे लिखिए, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 90, cos थीटा बिलोंग्स टू, cos थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1, है ना, यहीं तक ही होता है। पर अब ये क्या आ गया 5/4, यानी ये तो डोमेन में नहीं है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जो d इज इक्वल टू 0, ये हमको पता पड़ गया है कि ड्रिफ्ट जो 0 है वो है नॉट पॉसिबल। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं आएगा कि ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेगा जस्ट जैसे a से b जाना है, तो ऐसा पूछेगा भी नहीं, वो बोलेगा इन विच द इन विच डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, कम से कम ड्रिफ्ट में। तो हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट लिखेंगे, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये v से गया है ना, इस डायरेक्शन में ये स्विम करता है v से, तो ड्रिफ्ट क्या होगी इसकी, 10 - 8 cos θ, है ना, ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई, और टाइम क्या होगा इसका, इनटू 100 upon v sin θ, समझ में आता है इतना, ये कैसे लिखा हमने, है ना। अब इसको कर देंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा
इसको विड्थ मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं, इसको उसी में रख लेते हैं क्योंकि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो टेन डब्ल्यू बाय वी साइन थीटा, और वी क्या है यहाँ पे एट, है ना, तो एट लिख देते हैं, जो हमको पता है वो लिख देते हैं एट, माइनस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉट थीटा, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका मिनिमा निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो करेंगे, है ना, फिर वहाँ से दो वैल्यूज भी आ सकती है और एक भी आ सकती है। चलो तो इसको करते हैं हम डिफ्रेंशिएट, तो ये है कॉसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं फाइव बाय फोर कॉसेक थीटा, है ना, माइनस डब्ल्यू कॉट थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, है ना, तो इसका हो गया फाइव बाय फोर माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और ये इसका क्या हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इज इक्वल टू इसको ज़ीरो करना है ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइव बाय फोर कॉसेक से कॉसेक काट देते हैं ना, यहीं पे वापस नहीं लिखना पड़ेगा, फाइव बाय फोर कॉट थीटा, है ना, और डब्ल्यू से डब्ल्यू भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू भी नहीं लिखते। चलिए अब है वन बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ गया फाइव बाय फोर, कॉस थीटा आ गया फोर बाय फाइव, तो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 37 डिग्री, 37 डिग्री आया। इसको नोट करो एक बार, समझ में आया ना, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। चलिए तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना, अब देखो ये आया 4/5 और यहाँ पे आया 5/4, इसमें कुछ रिलेशन बैठ रहा है क्या भैया? हाँ बिल्कुल रिलेशन बैठ रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए D इज इक्वल टू जीरो मान के सॉल्व कर लो, है ना, फिर जो एंगल आए उसका रिवर्स कर लो, ठीक है, ये लिख लेना अलग पेन से, ठीक है, यहाँ पे आया था 5/4, है ना, इसका जस्ट रिवर्स, रेसिप्रोकल, रिवर्स यानी रेसिप्रोकल, समझ गया ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब सारी जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना उनको हम एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, तो रिवर्स प्रॉब्लम्स की शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। पहले इसको नोट कर लो, कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मेरा यूजर नेम लिंक जो टेलीग्राम का है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो या ग्रुप में पूछ सकते हो, है ना, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है सक्सीड में जेई नीट का, उसमें पूछ सकते हो। चलिए तो एक बार इसको देखिए समझिए, और एक बार जितने भी क्वेश्चन आज कराया ना एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना आप इसको वीडियो को देखने के बाद, तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद आप भूल जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ, लिखा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए शॉर्ट नोट्स ऑफ रिवर प्रॉब्लम में सबसे पहला है शॉर्टेस्ट पाथ वाला, जब शॉर्टेस्ट पाथ यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर जब ट्रैवल करेगा, ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट केस है वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू आर इज ग्रेटर देन वी आर, मतलब ये बड़ा है इस टाइप, तो कॉस थीटा लेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, थीटा लेंगे इस डायरेक्शन में, उसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, या फिर
ऐसे करके वी नेट निकालेंगे, वी नेट इस डायरेक्शन में आएगा, आपने देखा अभी है ना, वी नेट इस, ये बड़ा मेथड है, हमने डायरेक्ट निकाला है जो भी है ये वी साइन थीटा, कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा भी आ गया, और ठीक है थीटा आ जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा एन थीटा सब निकाल सकते हैं। इसमें जो टाइम होता है वो क्या होता है, विड्थ अपॉन वेलोसिटी नेट। वेलोसिटी नेट क्या है, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, बाकी आपको जो बताया मेथड एक दो लाइन का वो करना है, ठीक है। अब अगला आता है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में क्या होता है, जब ये इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम हो जाती है, तो इस केस में टाइम आता है दिस, और ड्रिफ्ट क्या आती है इसकी, नॉट इक्वल टू जीरो, ड्रिफ्ट आती है टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख लेते हैं, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है जब डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब डी क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है, कम होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसकी बात कर रहे हैं। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू वी विद वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ आर। अब ये और वो फार्मूला, ये और वो फार्मूला क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हम कैसे याद रख लेंगे इसको, हमेशा छोटा अपॉन बड़ा, ऑलवेज स्मॉलर अपॉन बिगर। स्मॉलर बिगर क्या, वेलोसिटी, ठीक है, स्मॉलर अपॉन बिगर, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये हो गया शॉर्ट नोट्स रिवर प्रॉब्लम्स के, आगे एक क्वेश्चन करते हैं फिर मूव करते हैं एयरप्लेन प्रॉब्लम्स में, है ना, फिर बाकी का जो है अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, पहले ये लिख लीजिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें विड्थ ऑफ रिवर दे रखी है 100 मीटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, मैन खड़ा है ओरिजिन पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो इस पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल है 2t² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन लिखिए, इन विच डायरेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। सेकेंड लिखिए, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। चलिए थर्ड पार्ट लिखिए इसका, थर्ड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ एज स्विमर इन मिनिमम टाइम सिचुएशन, एस की जगह लिख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ स्विमर इन मिनिमम टाइम सिचुएशन। चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए, हाँ वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था कि मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम अब हमको क्या फर्क पड़ रहा है, मिनिमम टाइम पहुंचने के लिए तो इसको परपेंडिकुलर ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, ये वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो परपेंडिकुलर मिनिमम टाइम के लिए इसको हमेशा परपेंडिकुलर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हो गया हमारा आंसर 90 डिग्री। चलिए सेकेंड था फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 10 सेकेंड्स। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो उतना ही है ना, इस डायरेक्शन में तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर स्विमर को कितना लगेगा, 100 बाय 10 सेकेंड्स, ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ क्या, थर्ड पार्ट है, थर्ड है, थर्ड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ स्विमर इन मिनिमम टाइम सिचुएशन। मिनिमम टाइम सिचुएशन में क्या होगा कि ये इधर जाएगा और ये इसका ड्रिफ्ट इधर होगा, है ना, तो इस पॉइंट को कुछ देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से कितना डिस्प्लेस होगा ये y,
और यहाँ से कितना डिस्प्लेस होगा, x, ठीक है, डिस्प्लेस होगा x। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू टी स्क्वायर डी टी, हाँ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू टी क्यूब बाय थ्री आएगी, नहीं आएगी, आएगी। चलो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी, है ना। वी डायरेक्शन में y डायरेक्शन में कितनी है, तो डी वाई इज इक्वल टू टेन डी टी, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आ जाएगा y इज इक्वल टू टेन टी। ये आ गया x, ये आ गया y। अब हमको इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में t को सब्सटीट्यूट कर दो, तो y बाय टेन इज इक्वल टू टी, टी को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू टू बाय थ्री वाई बाय टेन का होल क्यूब। यहाँ से आंसर आ जाएगा थ्री बाय टू, 3000 एक्स बाय टू इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये आ जाएगा 1000, 3000 बाय टू। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम वाई क्यूब इज इक्वल टू 1500 एक्स, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलो किसके तीनों सही हो गए थे, बहुत बढ़िया, अगर तीनों सही हो गए थे बहुत ही अच्छा, समझ रहे हो मतलब, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तीनों सही वाले, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको हम रब करते हैं और हम बढ़ते हैं एयरप्लेन प्रॉब्लम्स में, है ना। चलो तो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा एयरप्लेन प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली वही है, इस स्विमर की जगह अब एयरप्लेन आ गया, वाटर की जगह वेलोसिटी ऑफ एयर आ गई, स्विमर की स्पीड थी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसकी है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको और क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर, है ना, और एयर स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं इसके बेसिस पे, देखो इसमें नया कुछ है नहीं, क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये प्लेन है, है ना, और ये पॉइंट बी है 53 डिग्री एंगल पे 200 मीटर्स पे, है ना। वेलोसिटी ऑफ एयर है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर है 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच एयरप्लेन ट्राइज टू फ्लाई टू रीच बी। अब इसको ऐसे देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, पर हम क्या करते हैं इसको रिलेटिव मोशन से करते हैं। तो हम प्लेन को एयर को रुका हुआ मान लेते हैं, है ना, तो प्लेन एयर को रुका हुआ माना तो प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में 20-20 दे दो, तो इसको रुका हुआ मान लिया, इसको दे दी हमने वेलोसिटी इधर 20 मीटर पर सेकेंड और ये हो गई कैंसिल, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लो और सॉल्यूशन देखो, अगर आप खुद करना चाहते हो तो पॉज कर लेना, ठीक है, इसको रिलेटिव मोशन से हिंट दे दिया, है ना, वीडियो को पॉज करके कर लो और फिर सॉल्यूशन देखो, है ना। अब हमने क्या किया, देखो इस डायरेक्शन में हमने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में कुछ में जाता है थीटा एंगल पे और इसकी वेलोसिटी है 40, है ना, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो 40 कॉस थीटा, है ना, और एक आएगा, रुको दूसरे कलर से बनाते कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, इसके दो कंपोनेंट क्या आएंगे, 40 cos थीटा और 40 sin थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में, है ना, अब tan थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा 40 sin थीटा अपॉन 40 cos थीटा इस डायरेक्शन में, है ना, तो हमको पहुंचना है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 40 sin थीटा
अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखा है इसको, अपॉन 40 कॉस थीटा माइनस 20। ठीक है, एक बार इसको समझो कैसे लिखा हमने। लिखा वहाँ पे प्लेन की वेलोसिटी 40 मान ली और थीटा एंगल पे प्लेन को रवाना कर दिया। ठीक है, अब हम अभी निकालेंगे कैसे निकालेंगे। इतना समझ में आया ना पहले? अब देखो, अब क्या करते हैं, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल ये है 37। तो हम इसको मान लेते हैं कि हमने इसको B की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है ना। तो tan थीटा, ये वाला थीटा है ना, इसको मान लिया हमने, इसको माना नहीं, ये थीटा है ही नहीं एक्चुअली, ये है tan 37। क्योंकि पॉइंट B पे पहुंचना है ना, इन दोनों वेलोसिटी का जो भी वो आता है उसको मिला के B पे पहुंचना है, तो ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री होता है 3/4। 3/4 इज इक्वल टू 40 साइन थीटा अपॉन 40 कॉस थीटा माइनस 20। अब यहाँ से 0 0 0 हटा दो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा है ना 2 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 8 साइन थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 8 साइन थीटा। अब इसको उसमें कन्वर्ट करके आप सॉल्व करना, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया कि जो 37 है ये क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को वेलोसिटी मिला के पहुँचना तो यहाँ पर ही है ना, और ये एंगल, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 40 कॉस tan 53 इज इक्वल टू है ना 40 cos थीटा माइनस 20 अपॉन 40 sin थीटा। आंसर सेम ही आएगा, ये इक्वेशन बनेगी, साइड में करके देख लो भले, है ना। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, आज लेट हो गया फिर लेक्चर है ना, इसको आगे सॉल्व कर लेना, नहीं हो तो डाउट में पूछ लेना मेरे से ग्रुप में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला। इसमें एयरप्लेन है ए पे और ये है बी पे, वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो इस डायरेक्शन में क्या है u, इसके बीच की डिस्टेंस जो है l है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर है v, और हमको बता रखा है कि v इज ग्रेटर देन u है। हमको क्या फाइंड करना, फाइंड टाइम टेकन बाय प्लेन टू मूव फ्रॉम a टू b। इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। चलो, मेथड 1 क्या है कि इसको ऐसे कर लो, वेलोसिटी और u, और ये वेलोसिटी नेट निकाल लो, है ना। तो वेलोसिटी नेट हमने अभी रिवर प्रॉब्लम में देखी थी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अब जो टाइम आएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या आ गया रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या हम थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं मेथड 2 से, है ना। इसको हमको ये तो पता है कि इस डायरेक्शन में एयर आ रही है तो प्लेन इसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में इसको वी से भेजा, तो ये थीटा पे है ना, मान लो ये थीटा है, या इसको मान लो थीटा, या ये थीटा है ना। तो ये है v cos थीटा इस डायरेक्शन में, और ये v sin थीटा। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, थोड़ा गंदा बन गया, थोड़ा अच्छा कलर यूज करते हैं इसमें, है ना। देखो, ये है प्लेन, है ना, हमने इसको भेजा इसको v डायरेक्शन में, हाँ थीटा एंगल पे, यह आएगा v साइन थीटा और यह आएगा v कॉस थीटा। अब जो एयर है वो इधर मूव कर रही है विद u, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, v साइन थीटा इज इक्वल टू u बराबर कर देंगे, है ना। तो ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा u बाय v, और cos थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से cos थीटा आ जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे वही वाला, यहाँ पे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड v cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये v से कैंसिल हो जाएगा और ये सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, इसमें होमवर्क जो है अब आप कर लेना एयरप्लेन प्रॉब्लम्स तक, इसकी शीट से
आपको ग्रुप में जाके लिखना है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर सकते हो @ टेलीग्राम पे सक्सीड मी JEE _NEET। यहाँ पे आपको सर्च करना है रिलेटिव मोशन की शीट, रिलेटिव मोशन। आपको कुछ नहीं करना है, जाके चुपचाप ये रिलेटिव मोशन मैसेज में लिख देना, एक बॉट आपको पूरी फाइल दे देगा, है ना। आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें एक्सरसाइज वाइज दे रखे हैं, तो सेक्शन में जिसमें भी एयरप्लेन प्रॉब्लम्स तक हो वहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। इसका डिस्कशन लेक्चर अभी आएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।